हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द कन्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेके आया हूँ। आपको बता देता हूँ दोस्तों, 8000 से ज़्यादा पदों के ऊपर भर्ती निकली हुई है और इसके जो फार्म है वो 1 अक्टूबर से ऑनलाइन भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अक्टूबर तक है वो चलेंगे, और जो इनका एग्ज़ाम होगा वो 21 और 22 नवम्बर को होगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी वीडियो में शेयर करूंगा आप सभी दोस्तों के साथ। उससे पहले बता देता हूं, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी नई जानकारी आएगी, नई वैकेंसीज आएगी, कोई डेली जॉब की पोस्टें आएगी, रेगुलर पोस्टें आएगी, तो आप सभी दोस्तों के साथ जो है तुरंत शेयर की जाएगी। तो बात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में, जो टाइटल हमारा कि आर्मी पब्लिक स्कूल है उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है टीचिंग के लिए, टीचर की भर्ती है दोस्तों। नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं निकली हुई है, सारी की सारी पोस्टें हैं वो टीचिंग बेस पे है, और ये पोस्टें हैं सारी आर्मी पब्लिक स्कूल की। ऑनलाइन जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा पोस्टें निकली हुई है, 8000 के लगभग पोस्टें निकली हुई है इसके अंदर। उससे पहले एक इंट्रेक्शन है वो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर दिया है कि एक उम्मीदवार केवल PGT, TGT, PRT एक पद के लिए ही पात्र है। यदि कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक पद के लिए आवेदन करता पाया जाता है तो उस उम्मीदवार को जो है उसका फार्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये तो है दोस्तों एक मेन इंट्रेक्शन जो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो TGT, PGT और PRT तीनों बेस की पोस्टें निकली हुई है, अगर इसमें से उम्मीदवार कोई भी दो फार्म भरना चाहता है तो वो बिल्कुल नहीं भर सकता है, केवल एक ही आवेदन कर सकता है, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए करें, या TGT के लिए करें, या PRT प्राइमरी टीचर के लिए करें। दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, एग्ज़ाम कब होगा उसका दिया हुआ है, पुराने प्रश्न पत्र है वो भी दिए गए हैं, सारी जानकारी आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। और इसका जो जानकारी का लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के नीचे, वहाँ से आप है जो इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी चलते हैं इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहाँ पर इसके बारे में क्या बता रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल है APS के अंदर काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है, जो कि सारी की सारी टीचिंग स्टाफ के लिए भर्ती की जाएगी। और यहाँ पे आप दोस्तों इसको देख सकते हैं कि लगभग जो है 8000 टीचर की भर्ती है जो की जाएगी, और इसका पेपर है वो भी ऑनलाइन लिया जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन प्रोसेस की भी जानकारी इसमें दे रखी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका जो स्टेस इसके अंदर दोस्तों आपको वो भी बता देता हूँ कि CTET की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, पहला स्टेज है आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का, वो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा जो कि 21 और 22 नवंबर 2020 को हो जाएगा। तारीख यहाँ पे पुख्ता दे रखी है इन्होंने कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 21 और 22 नवंबर तक हो जाएगा टीचर की भर्ती के लिए। और उसके बाद में दोस्तों दूसरा सिलेक्शन इसमें जो प्रोसेस में होगा उसमें होगा इंटरव्यू, और इसके बाद में जो है कंप्यूटर स्किल के बारे में जानकारी है, इसके बारे में तीन स्टेज दे रखी है यहाँ पर इसको सिलेक्शन प्रोसेस की। अभी दोस्तों बात करते हैं हम इसके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के अंदर दोस्तों PGT है, पोस्ट ग्रेजुएशन उनके अंदर जो है 50% मार्क्स होने चाहिए, आपको BEd मांग रखी है, और TGT है इसके अंदर भी जो BEd मांग रखी है, और जो PRT है इसके अंदर BEd या फिर 2 साल का आपका डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए। फ्रेश कैंडिडेट है उसकी आयु जो है 40 साल से कम होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2021 तक जो है इस आयु को काउंट किया जाएगा। अभी मेन चीज़ हमारी दोस्तों यहाँ पे CTET, सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पे कि CTET पास मांग रखा है या नहीं मांग रखा है। तो दोस्तों, ये नोटिफिकेशन में साफ तौर पर दे रखा है कि CTET और TET इज़ नॉट मैंडेटरी अपेयरिंग इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो CTET है ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर जो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वही माना जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे दे रखा है कि CTET और TET कनेक्टेड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इज मैंडेटरी फॉर अपॉइंटमेंट एज TGT और PRT। अगर TGT और PRT की पोस्ट भरते हैं तो उसके लिए जो है ये CTET आपका मायने रखता है, लेकिन दोज नॉट हैव क्वालिफाइड CTET, जिन दोस्तों के पास CTET नहीं है वो भी जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो जो है उनको जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ऐसा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। इस लाइन को आप जो है पुख्ता से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ये लाइन आपको मिल जाएगी कि CTET इज़ नॉट मैंडेटरी अपेयरिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और इसके लिए दोस्तों एज दे रखी है, वो दे रखा है जो एग्ज़ाम की डेट वो दे रखी है, यहाँ से 21 और 22 नवंबर को इसका एग्ज़ाम है वो हो जाएगा।
डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड द एग्जाम। अगर कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है एग्जाम के लिए तो समय में इसमें बदलाव किया जा सकता है। ये दे रखा है दोस्तों इनका सिलेबस, जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट मिलेगी dakenindia.com के नाम से, वहाँ से आप जो इनका सिलेबस है वो चेक कर सकते हैं और कौन सी बुक आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों रजिस्ट्रेशन के एग्ज़ाम फीस, जो रजिस्ट्रेशन होगा उसकी फ़ीस दे रखी है यहाँ पे, 500 रुपये है रजिस्ट्रेशन फ़ीस जनरल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का दे रखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन होगा APS का जो पोर्टल है आर्मी पब्लिक स्कूल का उसके ऊपर, और 1 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट और BEd और BA या MA जो भी कर रखी है उस सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूरी जानकारी इसके बारे में और भी बहुत सारी दे रखी है इन्होंने, सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दे रखे हैं, सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी प्रकार का आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कॉमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।